तो हमारे साथ हैं बनारस के पंडा ललित उपाध्याय जी और बेजोड़, नहीं वो तो मैं एड्रेस करने के लिए, लेकिन आप बेजोड़ आप खेल खेलते हैं और कई साल से मैंने आपको देखा जो इस तरह के आप फॉरवर्ड हैं और जो टीम हमारी जहां तक पहुंची है, आपको मतलब ये लाइफ का बेस्ट मोमेंट में आप जा रहे हैं। सर जैसे आपने पंडा बोल दिया तो मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं महादेव का बड़ा भक्त हूँ, महादेव के भक्त। हाँ, और इसीलिए तो बोला। हाँ, और पूरे बनारसवासी पूरे देशवासियों का वो था, प्यार था और उनका सपोर्ट था कि दोबारा मेडल जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके साथ ही साथ मैं अपने टीम मेंबर ईच एंड एवरी वन, जितने भी लोग थे, उनके कमिटमेंट, उनके हार्डवर्क, उनके सेक्रीफाइस, सबको मैं अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि बिना एज ए टीम हम लोग कुछ नहीं है। और एज ए टीम हमने जो अचीव किया कंटिन्यूसली दूसरा बार मेडल लेके, वो भी एक सर काबिल तारीफ है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मैं ऑनरेबल PM सर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और टॉप्स, उसके बाद मैं साईं बेंगलुरु का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हम जहाँ पे बेस पे प्रैक्टिस करते हैं हमें हर वो चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो टॉप लेवल एथलीट को ज़रूरत होती है। वैसे तो आपने बहुत बड़ा काम किया है, मतलब 1980 के बाद ये अब हम लगातार बैक टू बैक जीत रहे हैं, लेकिन आपको लगता है मित्र रोहित दास को रेड कार्ड नहीं मिलता तो हमारा जी बिल्कुल मलाल तो इस बात का रहेगा, बाकी अब जो कमेटी डिसाइड की, जो इन्होंने ये किया वो लोग जाने, लेकिन ये होता है कि घायल से और ज़्यादा खतरनाक होता है। और हमें खुशी इस बात की है कि 10 प्लेयरों से भी जीत के एक अलग हिस्ट्री क्रिएट की। और रही बात मैं अमित रोहिदास की बात करूं तो इज़ अ ग्रेट डिफेंडर, हम लोग उसको नामी टर्मिनेटर रखते हैं कि वो फर्स्ट रसर जैसा है, वर्ल्ड क्लास फर्स्ट रसर है, उसके जैसा कोई है भी नहीं, और वी आर लकी टू हैव हिम इन आवर टीम।